नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से देश भर में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। ऐसे कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस तरीके के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जिन्होंने दावा किया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। और ये दावा किया है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने, यह दावा किया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो पढ़ करके सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ दावा किया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पंडित देवेंद्र पांडे हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के। इन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो देवेंद्र पांडे ने पहला बयान दिया था कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं उस बयान को मैं फिर से कहता हूं, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाती और बनारस से उन्हें भागना पड़ता। ये बात अभी भी बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि बहुत से लोग उनके भक्त हैं। तो उन भक्तों को इस बात का स्मरण करना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी इतने ही लोकप्रिय होते तो जीतने के बाद वो जाते हैं तो गुलदस्ते की जगह चप्पल नहीं फेंकी जाती। तो उनकी लोकप्रियता तो स्पष्ट है ना, क्योंकि चप्पल जूते फेंकने वाले तो बनारस के लोग थे। जो भी मैं कहता हूं उसमें कहीं मेरा व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं यत्न करूं, धर्म को बचाने के लिए यत्न करूं, संतों की मर्यादा और परंपराओं को बचाने के लिए मैं यत्न करूं, और वो कर रहा हूं, अंतिम क्षण तक करूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा। तो ये आपने जो मैंने ये पढ़ करके सुनाया, ये पंडित देवेंद्र पांडे जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के, और इन्होंने जो दावे किए हैं ये दावा काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। और इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। पुंडीर, जैसा कि अभिषेक भाई मैंने पढ़ा, ये जो कुछ भी उन्होंने बोला है, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? हकीकत है कहीं ना कहीं नियाज के जिस सीट से, वाराणसी की सीट से दो बार चुनकर आए हैं और दावा किया जा रहा था इस बार के बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार और मोदी जी 10 लाख पार। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो जमीन पर वहां काम कर रहे थे, बीजेपी के जो बड़े नेता थे, वो भी इस तरीके का दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी वाराणसी से, वो 10 लाख से ज्यादा वोटों से होगी। लेकिन 4 जून को जिस वक्त ईवीएम से गिनती शुरू हुई और ईवीएम ने अपने आंकड़े उगलने शुरू किए, उस वक्त पूरी बीजेपी की सांसें अटक गई थी और उन अटकी हुई सांसों के साथ 1.5 लाख से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत दर्ज की। उनसे अच्छी जीत तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात से दर्ज कर ली, उनसे अच्छी जीत तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से 8 लाख वोटों से जीत कराए हैं। तो ये पता चलता है कि आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के या नहीं है। उन्हें आपको हटा दिया गया, किस तरीके से आपको हटाया गया, आपकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बना रहने की, आपकी इच्छा थी मध्य प्रदेश में रहने की, बावजूद इसके वहां आपको प्रयोग करना था तो मोहन यादव को बिठा दिया, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 3.5 लाख वोटों से 2019 का चुनाव जीता था, वो 2024 में 1.5 लाख वोटों पर आ जाना दिखाता है कि लोकप्रियता में जरूर कमी आई है, लोकप्रियता में कमी आई है। जब ही उत्तर प्रदेश में 8% वोट घटा है बीजेपी का, जिस बीजेपी का 2019 में वोट बैंक 49% हुआ करता था यूपी में, इस बार घटकर 41% रह गया। नियाज, उसी का नतीजा है समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 37 सीटें। और जो चप्पल की आपने बात कही, जो चप्पल वाली घटना थी, वो वाकई में अगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। वो आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां प्रधानमंत्री को भी सोचना होगा, आखिर लोग इतने मजबूर क्यों हुए, उनके भीतर इतना द्वेष क्यों पैदा हुआ कि आपके ऊपर चप्पल फेंकनी पड़ी। काशी कॉरिडोर बनाया, जिस कॉरिडोर का जिक्र किया गया, ढिंडोरा पीटा गया, अपनी उपलब्धियों में गिनवाया गया, लेकिन वहां कितने लोगों का व्यवसाय छीन लिया गया, कितने लोगों की सरों से छत छीन ली गई और उन्हें मुआवजा भी उस हिसाब से नहीं दिया गया कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो जब आदमी के पेट में रोटी होगी तभी वो किसी चीज का गुणगान करेगा नियाज, और यही जो है कारण रहा प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और ये जैसा कि आप बता रहे थे अभिषेक कि किस तरीके से उनके वोटिंग के रेशियो में कमी आई है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 में
370,000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत हासिल की थी बनारस से। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, 2019 में भी उन्होंने 479,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, मतलब 3,00,000 2014 में, उसके बाद सीधे 479,000। लेकिन वही जब 2024 का लोकसभा चुनाव आता है तो सीधे 1,50,000, मतलब 3-4 के बाद सीधे 1,50,000 पर आते हैं। और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है अभिषेक कि आपको याद होगा कि एक दो राउंड में प्रधानमंत्री मोदी पीछे भी थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बता रही हैं, क्योंकि आप हवा में बात नहीं कर सकते हैं, आप जमीनी लेवल पे देखेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं, और ये वोट प्रतिशत या फिर वोटों की संख्या ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। और इसका खुलासा, इसका दावा कह सकते हैं, जिस तरीके से दावा किया है पंडित देवेंद्र पांडे ने, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा के, इन्होंने जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। इसके साथ साथ अभिषेक एक और बात है, जैसा कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब नेतागण वहां पे बोल रहे थे सदन के अंदर, तो आपने यह भी गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वाले बहुत लोग कम थे सोशल मीडिया पे, उनके मुकाबले में राहुल गांधी को बहुत ज्यादा लोगों ने सुना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या ये भी एक कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बोलते हैं एक तो लंबा बहुत ज्यादा खींचते हैं, इसके अलावा तथ्यों की अब थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं नौजवानों के रोजगार से रिलेटेड, मतलब नए मुद्दे उनके पास हैं लेकिन बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी 10 साल पहले भी राम मंदिर 370 का जिक्र किया करती थी, हिंदू मुसलमान का जिक्र किया करती थी, और मुसलमान जो है पता नहीं क्या कर देगा अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई, ये चीजें थी। उसने कभी रोजगार पर आप देखेंगे बात नहीं की, महंगाई पर देखेंगे बात नहीं कही। राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों से कनेक्ट किया, वो लेकर आए उन मुद्दों को जिन मुद्दों की जरूरत है। मैंने आपको अभी जैसे कहा कि पेट में अगर रोटी होगी तभी आदमी किसी चीज का गुणगान करेगा, अगर लोग आदमी का पेट भरेगा तभी वो आगे कुछ काम करेगा ना, रोजगार पे भी जाएगा, आपका वोट भी डालेगा, सब काम करेगा। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था कुछ आंकड़े पेश किए थे, और वो आंकड़े बेहद हैरान करने वाले थे। जैसा मुझे याद है कि 635 मिलियन लोगों ने राहुल गांधी को सुना था, जबकि कुल मिलाकर 153 मिलियन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना था। अब भाषण लंबा करने की बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जब शुरू किया भाषण अपना लोकसभा में, पहला 1 घंटा तो समझ ही नहीं आया बोलना क्या चाहते हैं वो, उसके बाद वो 1.5 घंटा जब उन्होंने बोला तब कुछ चीजें समझ में आई कि हाँ प्रधानमंत्री ने किस बारे में क्या भूमिका बनाई थी और क्या वो बोलना चाहते हैं। जनता के मुद्दे से जब तक आप न्याज कनेक्ट नहीं करेंगे, उनकी रोजी रोटी के सवाल पर जब तक आप बात कर नहीं करेंगे, तो मनन और भजन उसके बाद ही हो पाएगा जब इंसान का पेट भरा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय महासचिव, माफ कीजिएगा, हिंदू महासभा के जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, ये जो हिंदू महासभा के महासचिव हैं, सिर्फ यही नहीं, आप 2022 का एग्जांपल ले लीजिए, मुसलमानों ने यूपी के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भरकर वोट किया, खूब वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी 125 सीटों पर आकर सिमट गई, बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। इस बार क्या हुआ कि 37 सीटों पर क्यों पहुंची, हिंदुओं का वोट भी गया है समाजवादी पार्टी के पास, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नहीं गया है, हिंदुओं का वोट बैंक, जो वोट बैंक बीजेपी का कोर वोटर था, जिस तरीके से मैंने जमीन पर जाकर काम किया, जमीन पर लोगों से बात की, उनकी राय ली, तो हिंदुओं का बहुत वोट बैंक जो है, जो 8% वोट घटा है, वो पूरा बीजेपी का कोर वोटर था, वो पूरा समाजवादी पार्टी के साथ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि लगा कि यहां फ्यूचर हो सकता है। तो सिर्फ बड़े बड़े मतलब पंडितों की ही नाराजगी नहीं है बीजेपी के प्रति, सीधा आमतौर पर जो आम हिंदू है, अगर मैं हिंदू मुसलमान की भाषा में बात करूं, जो आम नागरिक है उसकी भी नाराजगी मोदी के प्रति है, बीजेपी के प्रति है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने जो कुछ भी बयान दिया है और जो कुछ भी दावा किया है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता, क्योंकि ये चुनाव को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होता तो प्रधानमंत्री मोदी की जमानत जब्त हो जाती, तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ जैसा कि उनका दावा है, और अगर ऐसा होता तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की जमानत जब्त होगी, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं।